3 बज चुके हैं और आज मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मैं मुझे सुबह उठना था लेकिन मैं नहीं उठ पाया था और उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा काम रह गए हैं। अभी जो है मेन काम है बैंक जाना है। बैंक जाने के बाद बाल कटवाने हैं, फिर बाल कटवाने के बाद वापस घर आके देखना क्या चक्कर है। चलते हैं फिर बाल कटवाने। बाल कटवाने थे लेकिन जो है मेरे सोज ने पीक कर लिया। मैंने किया जी, मैंने मेरा सूर जी क्या तो कहते हैं। और अभी एक भाई हमारे बहुत प्यारे से हैं, उन्होंने हमारे लिए ऑर्डर बुक करवा के रखा हुआ है। ये हमारे प्यारे भाई हैं किसीटा। किसीटा विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इन पे किसीटे हैं ब्रो। यस, माय नेम इज मुआज, एज यू ऑल नो दैट हु आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग। चलो बस करो, बहुत हो गया। सारी साल की आपने इंग्लिश एक ही दफ़ा बोली। मैं नहीं खिला रहा। ये भाई हमारे घसीटा साहब ये यार हमें इतनी मीट दे रहे हैं नहीं घर की। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं भी हूँ यहाँ पर, आप भी लेकर आ रही है। देखिए ये हमारे चला भाई है, खाने वाले हम दोनों खाने हैं, ये भाई खिलाने वाले हैं। ये इस वक्त ये बंदा पठान नहीं है लेकिन पठान बनने की एक्टिंग कर रहा है। तो खाना खराब कर जो है हमारा कोई क्लास होने के नहीं होना। रमजान हमारे का चांद नज़र आ चुका है सऊदी अरब में। अब ये कन्फ्यूजन जरिए ये पता नहीं है कल होगा पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा। देखते हैं क्या क्लास है, तब तक अभी नहीं घर जाएंगे। मुफ्ता इंसान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, तो जब खास करके आपके दोस्त ऐसे हो तो क्या ही बात होती है। से हाय माय फ्रेंड्स। हेलो। अभी जो है वो मैं घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद ये सीन है कि मैंने बाल कटवाने के बाद जो है ब्लॉग एडिट करेंगे। ये जो है मेरा एक बहुत ही शदाई बंदा है, बहुत बहुत आजकल ही इज इन लव। यस, द वर्ल्ड इज इन लव। यस यस, आई एम इन लव विद दिस पर्सन। ओके सर, फॉर क्या उसे कहते हैं, आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू इन माय लाइफ। यू आर। तो हुआ कुछ यूँ था कि बाल कटवाने नहीं मैं गया था, बाल कटवाने जा रहा था लेकिन दोस्त आ गया था। उस दोस्त के साथ मैं जाना था ट्रीट लेने एक दोस्त से, वो उसने नहीं करके ट्रीट देनी थी। तो हम आपको पता है मुफ्ता तो वैसे नहीं छोड़ते, तो ट्रीट ली है फिर उससे। फिर उसके बाद थोड़ी क्रूजिंग की है। क्रूजिंग करने के बाद फिर हम घर आए हैं। घर आने के बाद मैंने बाल कटवाए हैं, तो बाल कटवाए हैं फिर 150 रुपये में। आपको पता है बाल कट जाते हैं और बाल भी कट जाते हैं, दाढ़ी भी बन जाती है, हर काम ओके हो जाता है। फिर जो है बाल कटवाने के बाद घर आया हूँ मैं। घर आके मैंने देखा है कि जब से मैं उस बंदे के पास जाना स्टार्ट हुआ हूँ तकरीबन एक साल से, और तब से लेकर अब तक उस बंदे ने दूसरी मरतबा मेरी दाढ़ी और मेरे बाल बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। तो सही मेरे 150 पूरे हुए हैं। बोले जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आती वो चीज़ बाकी लोगों को कैसे पसंद आएगी। आज कल लोग जो है ना मुझे इतना ख़ास मज़ा नहीं आया बनाने का, ठीक है। तो देखें जी, सिनेमैटिक्स के बगैर वीडियो फारिग होती है। मुझे जितना मुझे पता है और जितना मेरी नज़र में है, सिनेमैटिक्स के बगैर कोई मज़ा नहीं आता वीडियो का। तो आज का जो था सीन वो सिनेमैटिक्स का था। ये कि मैं सोचा था कि मैं उनका जाके किचन विजिट कर कुकिंग का बनाऊँगा सिनेमैटिक्स वाला सारा सीक्वेंस, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वो कहते जी कि आप जी के पास जो इक्विपमेंट है वो नहीं है अभी, यानी कि मैं अभी अपना इक्विपमेंट साथ लेके नहीं गया था, तो उन्होंने मुझे नहीं अंदर जाने दिया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह ताला आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एंड आगे मेरा मेन मकसद जो होता है ना वो सिनेमैटिक्स बनाने का होता है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है सिनेमैटिक्स बनाने का, तो इंशाल्लाह ताला आई विल बी केयरफुल अबाउट दिस नेक्स्ट टाइम। अभी जो सा है 8:45 हो चुके हैं और दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। वो काम करने के बाद व्लॉग एडिट भी करना और पोस्ट भी आज ही करना है, फिर उसके बाद सो जाना है क्योंकि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और जो है बस फिर सहरी के वक्त उठना है, और सबसे ज़रूरी बात
जो जो ये वीडियो देख रहा है उन सबको और उनके घर वालों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, दिल से कह रहा हूँ मैं रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप सबके घर में बरकतें लेके आए, और बस दुआओं में याद रखिएगा।